बेस्ट इंट्राडे ट्रेडिंग टाइम फ्रेम, देखो टाइम फ्रेम जो होता है अलग अलग एनालिसिस अलग अलग एग्जीक्यूशन के लिए अलग अलग टाइम फ्रेम को यूज करना है, बट सबकी एक्यूरेसी ऑलमोस्ट सेम ही होती है। यहां पर मैं आपको टाइम फ्रेम के ऊपर एक पूरा फ्रेमवर्क बना के देता हूं कि कैसे यूज करें वीकली कैंडल, डेली कैंडल, वन आवर, पंद्रह मिनट या पांच मिनट कैंडल को कैसे ही कहां पर यूज करें। यहां पर वीकली कैंडल अगर हम देखें तो वीकली कैंडल जो होती है वो यहां पर मंथली ट्रेंड या फिर लॉन्ग टर्म ट्रेंड हमें बताती है। मंथली बेसिस पर क्या ट्रेंड चल रहा है, आपको स्टॉक्स को दो तीन महीने के लिए होल्ड करना है या फिर लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखना है, वहां पर आपको वीकली कैंडल देखना बहुत जरूरी है। डेली कैंडल अगर हम बात करें तो वो हमें इंट्राडे के लिए मार्केट का स्ट्रक्चर बताती है, मार्केट पिछले पांच छह दिन में क्या किया, पूरे वीक में क्या किया, बुलिश हुआ, बेरिश हुआ, अभी क्या ट्रेंड है, मार्केट में मूवमेंट आ चुकी है, रिट्रेसमेंट आ चुकी है, अब कौन सा मूव आएगा, इसको देखने के लिए आपको डेली कैंडल देखना बहुत जरूरी है। वन आवर कैंडल कल इंट्राडे के लिए आपको अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट लेवल्स मेजर लेवल्स निकालना है तो उसके लिए आपको वन आवर का टाइम फ्रेम निकालना है। वन आवर टाइम फ्रेम ओपन करो, इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करो, वो कल अच्छे से काम करने वाले हैं। पंद्रह मिनट टाइम फ्रेम जो है वो एंट्री एग्जिट के लिए और साथ में एक बेटर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए काफी अच्छे से काम आता है। 15 मिनट टाइम फ्रेम एग्जीक्यूशन में काफी सबसे बेस्ट है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम भी एंट्री एग्जिट एग्जीक्यूशन में काम आता है और यहां पर चार्ट पैटर्न्स अगर इंट्राडे में निकालने हैं, फ्लैग, डबल बॉटम, डबल टॉप, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, तो भी 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज आएगा, बट एंट्री एग्जिट 5 मिनट में तब ली जाती है जब हम किसी ट्रेड के बारे में काफी कॉन्फिडेंट है, एंट्री हमें बहुत जल्दी लेनी है। तो 5 मिनट और 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूं, जाके चेकआउट करो। और 1 मिनट का टाइम फ्रेम जो होता है वो हमें स्कैल्पिंग के अंदर काफी बेनिफिशियल रहता है।